जैसन सोचल रहनी ऐसन धनिया मोर बड़ी सावर न गोर बड़ी हो। भैया हम भोजपुरी गायक पप्पू झा सब भोजपुरियन भाई के हार्दिक अभिनंदन करतनी और वह सब सुन रहल बानी रेडियो रॉक 94.2 FM असही सुनत रही सुनावत रही। होखेला बात बड़का बड़का इहर कार्यक्रम भोजपुरी तड़का मात्रे रेडियो रॉक 94.2 FM पर सुनो दिल की ठीक है तड़का भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का। वेलकम टू रेडियो रॉक 94.2 FM सुनो दिल की। स्वागत करे के साहब हम राउर परम मित्र एकदम मिले वाला संगतिया दिल में रहे वाला संगतिया आरजे रणधीर हॉटली ओनली ऑन रेडियो रॉक 94.2 FM सुनो दिल की। और कहे के साहब साथे साथे गुड इवनिंग नमस्ते नमस्कार हेलो हाय। और बतावे के साहब आज एकदम जबरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ रउआ के बीच आयल बानी कार्यक्रम भोजपुरी तड़का के साथ। और बतावे के साहब कि कुछ दिन से लगातार हम दिनेश लाल यादव जिबरी स्टार दिनेश लाल यादव के बारे में लगातार कुछ ना कुछ बता रहा बानी चाहे उनकर फिल्म होके या फिर उनकर गाना होके। और आज भी एकदम जबरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ माने कहल जाए कुल मिला के दिनेश लाल यादव कैसे निरहुआ बन गई नी दिनेश लाल यादव से और कैसे कैसे फिल्म इंडस्ट्री में पहुँचनी का क्या करे के पड़ल उनका के सब कुछ रवा के हम जानकारी देब। लेकिन उससे पहले समय बाटे भी फिलहाल कार्यक्रम के शुरुआत करे के तर सुनावतानी बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग जौन की हाल फिलहाल में एकदम जे फिल्म लागल बाटे हॉल में निरहुआ चलल लंदन वही फिल्म से लिहल गए सुपर डुपर हिट गाना बाटे कि गौरी तोहर कमर लपचकौगा लपकौगा कहीं जे कहीं रोवा के इच्छा बाटे। लेकिन गाना एकदम जबरदस्त बाटे सुनी इंजॉय कर। और कार्यक्रम शुरू हो चुकल बाटे भोजपुरी तड़का नंबर डाल कर सकत आनी 8051-67-02-11 प्यारा सा नंबर 10 गो नंबर रहेला हर मोबाइल के इहो मने टेलीफोन के 10 गो नंबर बाटे एकदम मिस करे के नहीं खे कार्यक्रम भोजपुरी तड़का शुरू हो चुकल बाटे। होखेला बात बड़का बड़का इहा कार्यक्रम भोजपुरी तड़का मात्रे रेडियो रॉक 94.2 FM पर सुनो दिल की ठीक है। पापा की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है तुरंत SRB हॉस्पिटल कॉल करो फ्री एम्बुलेंस आ जाएगी। और SRB की मेडिकल फैसिलिटीज बेहतरीन है 24/7 इमरजेंसी एंड ट्रोमा ICU NICU के साथ न्यूरो हार्ट किडनी गैस्ट्रो हड्डी शिशु स्त्री रोगों का इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है। जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी की भी सुविधा विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त SRB हॉस्पिटल चुरन छपरा मुजफ्फरपुर। अगर आप चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को फेमस करना उसका एडवर्टीजमेंट कराना तो रेडियो रॉक में एडवर्टीजमेंट के लिए संपर्क करें 9334913699 और 9470433333। अगर आप चाहते हैं अपनी आवाज़ को एक अलग पहचान देना अपनी आवाज़ में ऑडियो वीडियो एल्बम बनवाना तो आपके लिए रॉक म्यूजिक लेकर आया है सुनहरा अवसर जिसमें ऑडियो वीडियो रिलीज करने के साथ प्रमोशन भी किया जाता है। संपर्क करें रॉक मेगा एंटरटेनमेंट एंड प्रमोशन यूबी टावर सरैयागंज मुजफ्फरपुर बिहार। कॉन्टैक्ट 7481905698 या हमें व्हाट्सएप करें 9470433333। रॉक मेगा एंटरटेनमेंट एंड प्रमोशन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें आपके टैलेंट की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर ROC टैलेंट जंक्शन यानी रॉक टैलेंट जंक्शन पर पहुंच चुकी है। जी हां रॉक मेगा एंटरटेनमेंट एंड प्रमोशंस अ यूनिट ऑफ PV मीडिया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं रॉक टैलेंट जंक्शन जहां आपके टैलेंट को मिलेगा एक नया आयाम। साथ ही आपको मार्गदर्शन देंगे बॉलीवुड के और संगीत जगत के जाने माने दिग्गज। वर्कशॉप क्रैश कोर्सेज फॉर डांसिंग सिंगिंग मॉडलिंग एक्टिंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लर्निंग एंकरिंग मल्टीमीडिया स्केचिंग
वॉइस ट्रेनिंग एंड स्क्रिप्टिंग। 3 साल से 20 साल के ऊपर तक के बच्चों के लिए टैलेंट का नया जंक्शन रॉक टैलेंट जंक्शन, जहां है 100% प्लेसमेंट की गारंटी, साथ ही टैलेंटेड कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप की सुविधा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 7481905700 and 7481905701, and for more information visit 5th floor UB Tower, Sarlahi, Muzaffarpur, Bihar, or call 9470-433-933-991-3699 and 700-4434-699. Rock Mega Entertainment and Promotions presents Rock Talent Junction. होखेला बात बड़का बड़का, यह कार्यक्रम भोजपुरी तड़का, मात्र रेडियो रॉक 94.2 एफएम पर सुनो दिल की। ठीक है तड़का। हाँ, एकदम सही बात बाटे कि होखेला बात बड़का बड़का, यह कार्यक्रम भोजपुरी तड़का, में छोट बात हो ही नहीं खे सकत। माने जे कहल जाला हमनी के देसी भाषा में ब्रांडेड कहल जाला जिनकरा के, और उहे बात बाटे कि ब्रांडेड बात होखेला, डुप्लीकेट बात ही में ना होखेला प्रोग्राम में। चलिए एक बार फिर से स्वागत करे के साहब रा, और फेवरेट कार्यक्रम अपन दिल के धड़कन ढुक ढुक करे वाला धड़कन के प्रोग्राम बाटे भोजपुरी तड़का, और ये रवा सुन रहल बानी अबही रेडियो रॉक 94.2 एफएम सुनो दिल की। और आज जे हम बतिया रहल बानी किनकरा बारे में बतिया रहल बानी, रवा के जानकारी हो गेल होखी तो बता दी कि दिनेश लाल यादव कैसे, माने दिनेश लाल यादव से निरहुआ में परिवर्तन होनी, कैसे निरहुआ सुपरस्टार भैनी, सारा कुछ बतावे के बाटे आज। तो सबसे पहले बता दी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के जन्म 2 फरवरी 1979 में भइल रहे, और जन्म स्थल बाटे दिनेश लाल यादव निरहुआ के गाजीपुर, एकदम सुनले होखब नाम, जे कि बिहार में पड़ेला। और ऐसा ही भाई में हो गई नी प्रवेश लाल यादव, जौन की एकदम हीरो ही बानी, नायक ही बानी, और दोसरका में चचेरा भाई बानी विजय लाल यादव, जौन की बिरहा गायक बानी। और यह सही बता दी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ बने से पहले गाजीपुर के टनवा गांव में रहत रहले। इनकर परिवार के हालात ठीक न रहे, एगो ऐसन समय रहे कि दिनेश लाल यादव के बाबूजी मेहनत मजदूरी करके मात्र 3500 कहल जाए 3500 रुपया कमात रहने ओकरा बाद, और यही से साथ परिवार के लोग के खर्च चलत रहे 3500 रुपया से, घर चलावे खातिर औरी पैसा के जरूरत रहे। वही से इनकर बाबूजी अपन दोनों बेटा के लेके कोलकाता चल गईनी, और अपन पत्नी आ 3 गो बेटी के गांव में ही छोड़ देनी। कोलकाता शहर दिनेश लाल यादव बहुत ज़्यादा संघर्ष कैले कोलकाता शहर में, और इन लोग के एगो झोपड़ी पट्टी में रहत रहनी लोग। बाबूजी के मालूम रहे कि घर के हालात ठीक नहीं थे, वही से अपन बेटा दिनेश लाल यादव के कहत रहनी कि जा बेटा नौकरी कर ला। बाकी दिनेश लाल यादव के गायकी में बहुत ज़्यादा लगाव रहे, बहुत ज़्यादा मन लगत रहे गायकी क्षेत्र में, आगे बताई बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले 8051-67-02-11 नंबर डायल करके कोनो संगतिया हाजिर बानी टेलीफोन संपर्क में, फटाक से बातचीत कर ली झटाक से, एकदम देरी करे के नहीं थे, कहे से कि देरी करब तो भाई गरियाबा न छूट जाए। ठीक है, हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत दुखी हालात बाटे रवा किए भाई, इतना माने निमन गाना गावत आनी, इतना दुखी वाला गाना गावत आनी, का कुछ भइल बाटे का जी? ना भैया, ओहो, माने इसे पता चला था कि रवा दिनेश लाल यादव के कितना चाहिए ना। तब राजकुमार भैया, एकदम एकदम राजकुमार भैया, सबसे पहले रवा के 10 अंगुली जोड़ के नमस्कार करतानी हम।
तब और सब बताई हाल खबर कैसन बाटे रहुआ के एकदम रॉक एफएम पूरा टीम काफी अच्छा बनी सन एकदम फिट एंड फाइन बनी सन तब राजकुमार जी के काम काज के बारे में बताई कैसन चला था काम काज कैसन चल रहा बाटी चले बहुत अच्छा बात बाटे तब बताए राजकुमार भैया की रोवा निरहुआ के बारे में कितना जानकारी रख ले बनी अभी फिलहाल में कुछ जानकारी होगी तो हम रोके एकदम बता दिया अभी बता दिया अभी समय बाटे मिलल रोवा के तो कुछ जानकारी हम रोके करा दी रोवा एकदम एकदम कहे से की रउआ भी एकदम यादव बनी और दिनेश लाल यादव भी मैंने एकदम यादव बनी तो एकदम तनिक कुछ मामला मिलल तो मिलता जुलता लगे ना तब न कहल जाला कि अब की जादो जी के झंडा अब लहंगा पर फहरी चली तब आगे बहुत ही अच्छा सॉन्ग बजे वाला बाटे दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म से किन करा के सुनावे के चाहब ओके बाबा फोन कहनी बहुत बहुत धन्यवाद बाटी ऐसा ही फोन करत रह राजकुमार रहनी है पस्टक की अदुसे फिर से दोसर दोस्त पहुंचल बनी हेलो नमस्ते गुड इवनिंग भैया के बानी कहाँ से नाम फिर से बता दी अरुण कुमार से बोल रहे अच्छा आर्यन जी बोला तेनी अच्छा अरुण कुमार जी बानी कहाँ से बोलनी है से। अच्छा अच्छा कैसन बानी रहुआ हमनी के अभी कहल जे एकदम फिट एंड फाइन बानी एकदम जी रहल बानी कसहु जिंदगी या काट रहल बानी तब बताई रहुआ कवन काम करीला ये पढ़ाई करीला बीए था अच्छा अच्छा कैसन चलेला कैसन चलेला रहुआ पढ़ाई लिखाई के चली बहुत अच्छा से चले के भी चाही उम्मीद करेला कि रहुआ पढ़ाई लिखाई में कुछ ज्यादा ही मन लगाई तो और बताई कि रहुआ के निरहुआ के दिनेश लाल यादव के निरहुआ के बारे में कितना जानकारी बाटे कुछ हमरो के बताई दिनेश लाल यादव के जानी रहुआ तो बता दी तनी हमरो के होंगे का करे नी और का होखे नी अच्छा मैंने फिल्म ना देखे नी क्या भोजपुरी फिल्म चलिए कोनो बात नहीं कहते प्रोग्राम रोवा ध्यान लगा के सुनब रोवा के पूरा जानकारी मिली भोजपुरी तड़का से आगे जवन गाना बजे वाला बाटी किन करा के सुनावे के चाहब ओके बाबा फोन कहनी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे या सही फोन करत रहब ठीक है और सुनत रहब सुनावत रहब ठीक है और इस समय हो चुकल बाटे फिर से एगो सॉन्ग सुने के सुनावतानी निरहुआ हिंदुस्तानी थ्री से लिहल गई गाना बाटी की अतना जल्दी पलट गयलू आ लागत दूसरा से पट गयलू एकदम जबरदस्त बारा गाना बाटे भाई गानवा सुनी मनोरंजन करी छूट ना जाए छोड़े के नहीं के बनल रहे के बाटे रेडियो रॉक 94.2 FM पर होखेला बात बड़का बड़का यह कार्यक्रम भोजपुरी तड़का मात्र रेडियो रॉक 94.2 FM पर सुनो दिल की ठीक है बीमारी जब भी आती है तो अपने साथ न जाने कितने दुख ले आती है शुक्र है श्री साई हॉस्पिटल का जहां सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम के साथ आपको मिलेगा पर्सनल केयर क्योंकि यहां हर जिंदगी है हमारी जिम्मेदारी श्री साई हॉस्पिटल नियर कंकड़बाग थाना पटना करियर मेकर की नई संस्थान उड़ान स्टडी सेंटर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा साथ ही IAS PCS ऑफिसर से मार्गदर्शन उड़ान स्टडी सेंटर रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने कलम बाग रोड मुजफ्फरपुर पापा की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है तुरंत SRB हॉस्पिटल कॉल करो फ्री एम्बुलेंस आ जाएगी और SRB की मेडिकल फैसिलिटीज बेहतरीन है 24/7 इमरजेंसी एंड ट्रोमा ICU NICU के साथ न्यूरो हार्ट किडनी गैस्ट्रो हड्डी शिशु स्त्री रोगों का इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी की भी सुविधा विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त SRB हॉस्पिटल चुरन छपरा मुजफ्फरपुर अगर आप चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स का ऐड करवाना तो रेडियो रॉक में एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें 9334913699 और 9470433333
अगर आप चाहते हैं अपनी आवाज को एक अलग पहचान देना, अपनी आवाज में ऑडियो वीडियो एल्बम बनवाना, तो आपके लिए रॉक म्यूजिक लेकर आया है सुनहरा अवसर, जिसमें ऑडियो वीडियो रिलीज करने के साथ प्रमोशन भी किया जाता है। संपर्क करें रॉक मेगा एंटरटेनमेंट एंड प्रमोशन, यूबी टावर, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, बिहार। कॉन्टैक्ट 7481905698 या हमें व्हाट्सएप करें 9470433333। रॉक मेगा एंटरटेनमेंट एंड प्रमोशन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपके टैलेंट की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर ROC टैलेंट जंक्शन यानी रॉक टैलेंट जंक्शन पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, रॉक मेगा एंटरटेनमेंट एंड प्रमोशंस अ यूनिट ऑफ पीवी मीडिया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं रॉक टैलेंट जंक्शन, जहाँ आपके टैलेंट को मिलेगा एक नया आयाम। साथ ही आपको मार्गदर्शन देंगे बॉलीवुड के और संगीत जगत के जाने माने दिग्गज। वर्कशॉप, क्रैश कोर्सेज, फुट डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लर्निंग, एंकरिंग, मल्टीमीडिया, स्केचिंग, वॉइस ट्रेनिंग एंड स्क्रिप्टिंग। 3 साल से 20 साल के ऊपर तक के बच्चों के लिए टैलेंट का नया जंक्शन रॉक टैलेंट जंक्शन, जहाँ है 100% प्लेसमेंट की गारंटी, साथ ही टैलेंटेड कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप की सुविधा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 7481905700 एंड 7481905701 एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट 5th floor यूबी टावर, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, बिहार। और कॉल 9470433933 9993499 and 7004434699। रॉक मेगा एंटरटेनमेंट एंड प्रमोशंस प्रेजेंट्स रॉक टैलेंट जंक्शन। दिलवा के मंदिर में प्यार के घर बनाई, तोहरा के रानी अपना दिल में बसाई, तोहरा के रानी अपना दिल में बसाई। भैया हम भोजपुरी गायक पप्पू झा सब भोजपुरियन भाई के हार्दिक अभिनंदन करतनी, और वह सब सुन रहल बानी रेडियो रॉक 94.2 FM। असही सुनत रही, सुनावत रही। होखेला बात बड़का बड़का, यह कार्यक्रम भोजपुरी तड़का मात्र रेडियो रॉक 94.2 FM पर सुनो दिल की। ठीक है, एगो चीज नोटिस कैले हो, जब भी बम्पर मैंने जब भी लिंक बजेला तो बीच में कहेला कि मिले खातिर, मैंने एकर मतलब हो गए कि हम रवा से मिले खातिर एकदम तरस गए बानी, हहर गए बानी। उ एक खातिर रवा सोचब कि मैंने प्रोग्राम चलावा तनी तो कैसे भेंट कर सकेला, तब बता रहे तनी उपाय बाटे, एकदम टेलीफोन पर भेंट हो सकेला। 8157-67-02-11 नंबर डाल कर रहूँगा पहुँची तो देखी, और ये कैसे मिलन होगा तो नहीं खे, कैसे भेंट होगा तो नहीं खे। चलिए एक बार फिर से स्वागत करके चाबरा, मैंने फेवरेट मैंने कहल जाए प्रोग्राम भोजपुरी तड़का में, और रवा सुन रहा बानी रेडियो रॉक 94.2 FM सुनो दिल की। खास बात एगो जानकारी हम करा देतानी, यदि रवा हमनी से अप टू डेट रहे के चाहतानी तो एकदम अरे फेसबुक यूजर बानी, फेसबुक चलाइला तक एकदम धीरज रखे के बाटे, हड़बड़ा के नहीं खे। फेसबुक पेज बाटे हमनी के रॉक FM, और रॉक FM के सर्च मारी, और ओकरा बाद रॉक FM पेज के लाइक करी, फॉलो करी, ओकरा बाद में अप टू डेट माने जे भी प्रोग्राम चलता उ प्रोग्राम के रहुआ सुन सकतानी रॉक FM पेज के मार्फत, और राय सलाह सुझाव भी दे सकतानी। तो चलिए आगे क्रम में बतावतानी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में का भइल आगे, मैंने कहल जाए कि बता दी कि दिनेश लाल यादव अपन शुरुआती पढ़ाई लिखाई कोलकाता शहर से ही कैले बानी। सन 1997 में ई लोग कहल जाए कि मैंने पापा जे दोनों बेटा के लेके गए रहनी कोलकाता, और 1997 में ई लोग वापस अपन गांव लौट गईनी। एकरा बाद दिनेश लाल यादव गाजीपुर के ही मलिकपुरा कॉलेज से BCOM के पढ़ाई पूरा कैनी। दिनेश के बाबूजी के चाहत रहे कि दिनेश कौनो अच्छा नौकरी करे, बाकी रे जहाँ एक बेर कलाकारी में मन ला गए भाई तो समझी कि एकदम कैसे नौकरी में मन लगे दिनेश लाल यादव के। कहल जाए कि दिनेश लाल यादव के अब ही निरहुआ बने में बहुत समय रहे, इससे पहले अपन चचेरा भाई जे रहे बिरह गायक विजय लाल यादव, ई ज़्यादा ही मुस्तसिफ हो गई नहीं, और अपन चचेरा भाई के हिस्का से ही दिनेश लाल यादव अपन कदम गायकी क्षेत्र में रख देनी।
इनकर पहला बिरहा एल्बम अपन चचेरा भाई बिरहा गायक विजय लाल यादव के साथे हत्यारा सेना नायक से शुरुआत भइल और केहू कहानी मने कहल जाए कि इनका की एगो म्यूजिक एल्बम मिलल जेके नाम रहे निरहुआ सटल रहे। सुन लो खब नाम गाना भी सुन लो खब एकदम जबरदस्त सुपर डुपर हिट वाल रहे निरहुआ सटल रहे और ये कहल जाए कि एक बाद दिनेश लाल यादव से दिनेश लाल यादव निरहुआ बन गईनी यानी कि स्टार बन गईनी भाई। चलिए आगे भी बहुत कुछ बताए भी लेकिन कोनो संगतिया हाजिर हो गई बानी वेटिंग में बानी बहुत देर से इनकरा से भी बातचीत कर लिया जाओ के बानी कहाँ से हाल खबर जान लिया जाओ तनी मस्ती कर लिया जाओ। हेलो आप बोली आये जी का बोली हेलो आय रवा कहता नहीं हेलो जी बोली हम कहता नहीं एक जी का बोली अब पहले नाश्ता में पूछब कि पहले प्रणाम पाती कर अब नमस्कार उदस्कार करे कि नहीं का कहाँ कोई नहीं हमरा तो दिखाई ना देनी है रहुआ चलिए हम ही नमस्कार कर देता नहीं है नहीं से अच्छा हम कुछ नहीं समझते आप बहुत कुछ है समझते तनिक अपन प्यारा नाम हुआ बता दी तो कुसुम जाओ ये कुसुम कैसन बानी अच्छा बानी के कहता कि खराब बनी ना ना खराब रहुआ ना रही खराब रहा तो हमनियों के मामला गड़बड़ा ना जाई तब कुसुम जी कुसुम जी कहता नहीं पूछता नहीं कि मैंने कैसन लागत गाना जब बजत मैंने प्रोग्राम से अब जब बतिया था नहीं कैसन लागत कहते नहीं आय ठीक ठाक लागत कि माने खराब लागत है। हेलो हेलो कुसुम जी चलिए इनका नेटवर्क शायद लागत है डिस्टर्ब बाटे उन्होंने से लइको आवाज माराता आए अब लइका के सुनाता लेकिन कुसुम जी के शायद कहीं और ध्यान बाटे चलिए कोनो बात नहीं के फोन धरावत है नी तो तनी एकदम ध्यान लगा के बतियाल करी फिर से दोसर दोस्त बनी। हेलो हेलो जी नमस्ते नमस्ते के बन जी सुशीला जी एकदम आवाज से लगा था कि रबा कितना सुशील बनी आवाजबे से लागत है कितना सुशील बनी रहुआ आ नाम बड़ा निमन पड़ल बाटे सुशील आ सुशीला देवी की कुमारी कभी कही थी सुशीला देवी की कुमारी कुमारी अच्छा कुमारी बनी तो पूरा नाम कहल जला सुशीला कुमारी बोला था नहीं ना तो क्या कितना आदमी समझ लिया कि सुशीला देवी बोला थी तब कैसन बनी जी ठीक बनी अपन बता ठीक है कहे बनी बहुत ठीक कहे नहीं है ठीक है ठीक राम तो हम है ठीक है ना ना नून रोटी खाई है सही जिंदगी बिताई है ठीक है हाँ नून रोटी खाइएगा आ सही जिंदगी बिताइएगा अपन नैहरवा में लौट के नहीं जाइएगा ससुरे में जिंदगी बिताइए जा 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 हम तो हम एकदम हमेशा बताबत रही ला कि भाई रउआ सुन रहा बानी आरजे रंधीर होटली के आई हाँ हमारा नाम रंधीर बाटी नाश्ता पानी के चक्कर छोड़ दी नाश्ता पानी के जमाना खत्म हो गया जब एगो समय रहे पूछत रहनी आ कहत रहनी कि संगतिया के भेज दी तो भेजते भेजते एकदम टाइमुआ बिता देनी तो वही से अब चक्कर छोड़ दिल नहीं ना कोनो बात नहीं के पूछ देनी बहुत बड़का चीज हो गई बताई ना सुशीला जी मैंने निरहुआ के बारे में कुछ जाना था नहीं कि ना आई निरहुआ के बारे में कुछ हो जाना था नहीं क्या जानकारी बताएं तुम जाना तो नहीं कि उनका शादी भइल कि ना भइल कि कुंवारे बनी शादी भइल निरहुआ के कहीं से जान जा जा माने बड़ा शादी हो गई बटे हमरा पते ना रहे रुआ के मालूम बा ना चलिए बड़ा निमन बात बात आई अगला शादी होला कि ना
आई हो दाई सब कहे वाला बात नहीं क्या जो मैंने गाना बाजी की निकाला के सुनाबे के सब मैंने हमरा से पूछा था नहीं कि शादी भइल बाटे कि ना दी होइयो गेल बाटे त का फर्क पड़ेला आ नहियो भइल बाटे त का फर्क पड़ी आई नाना कोनो दिक्कत बा त बता सकिले रुआ ना ना दिक्कत नहीं अच्छा चली तब आगे बरन मन हां और सुनाबे के अब बहुत निमन गाना बजे वाला बाटे सुने तब कह एकदम कि का गाना बजल है एकदम वाह वाह करे लगा किन करा के सुनाबे के चाहत सुनाबे के सुनाबे चाहत ओके बाबा फोन कैनी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे या सही फोन करत रह बड़ा निमन बात भइलिन करा से भी चलिए अब समय हो चुकल बाटे फिर से झूमे की और झुमावे के और जबरदस्त कमर लचकावे के मुड़ी हिलावे के त सुनावत आनी जबरदस्त फिल्म जन की कहा जाए मोकामा 0 किलोमीटर से लिहल गए दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे द्वारा अभिनीत बहुत ही जबरदस्त गाना बाटे कहल जाए सुनिए राजा जी खोले दी केवड़िया भैल बाटे भोरा भाई एकदम चटकदार लटकदार गाना बाटे तो सुनी इंजॉय करिए और बनल रही रेडियो रॉक 94.2 FM के संग कहे से कि प्रोग्राम चलता और फेवरेट दिल के धड़कन भोजपुरी तड़का ठीक है होखेला बात बड़का बड़का इहा कार्यक्रम भोजपुरी तड़का मात्र रेडियो रॉक 94.2 FM पर सुनो दिल की ठीक है पापा की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है तुरंत SRB हॉस्पिटल कॉल करो फ्री एम्बुलेंस आ जाएगी और SRB की मेडिकल फैसिलिटीज बेहतरीन है 24/7 इमरजेंसी एंड ट्रोमा ICU NICU के साथ न्यूरो हार्ट किडनी गैस्ट्रो हड्डी शिशु स्त्री रोगों का इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी की भी सुविधा विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त SRB हॉस्पिटल चुरन छपरा मुजफ्फरपुर अगर आप चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को फेमस करना उसका एडवर्टीजमेंट कराना तो रेडियो रॉक में एडवर्टीजमेंट के लिए संपर्क करें 9334913699 और 9470433333 अगर आप चाहते हैं अपनी आवाज को एक अलग पहचान देना अपनी आवाज में ऑडियो वीडियो एल्बम बनवाना तो आपके लिए रॉक म्यूजिक लेकर आया है सुनहरा अवसर जिसमें ऑडियो वीडियो रिलीज करने के साथ प्रमोशन भी किया जाता है संपर्क करें रॉक मेगा एंटरटेनमेंट एंड प्रमोशन यूबी टावर सरैयागंज मुजफ्फरपुर बिहार कॉन्टैक्ट 7481905698 या हमें व्हाट्सएप करें 9470433333 रॉक मेगा एंटरटेनमेंट एंड प्रमोशन यात्रीगण कृपया ध्यान दें आपके टैलेंट की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर ROC टैलेंट जंक्शन यानी रॉक टैलेंट जंक्शन पर पहुंच चुकी है जी हां रॉक मेगा एंटरटेनमेंट एंड प्रमोशंस अ यूनिट ऑफ PV मीडिया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं रॉक टैलेंट जंक्शन जहां आपके टैलेंट को मिलेगा एक नया आयाम साथ ही आपको मार्गदर्शन देंगे बॉलीवुड के और संगीत जगत के जाने माने दिग्गज वर्कशॉप क्रैश कोर्सेज फुट डांसिंग सिंगिंग मॉडलिंग एक्टिंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लर्निंग एंकरिंग मल्टीमीडिया स्केचिंग वॉइस ट्रेनिंग एंड स्क्रिप्टिंग 3 साल से 20 साल के ऊपर तक के बच्चों के लिए टैलेंट का नया जंक्शन रॉक टैलेंट जंक्शन जहाँ है 100% प्लेसमेंट की गारंटी साथ ही टैलेंटेड कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप की सुविधा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 7481905700 एंड 7481905701 एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट 5th floor यूबी टावर सरैयागंज मुजफ्फरपुर बिहार और कॉल 9470433333 9334913699 एंड 7004344699 Rock Mega Entertainment and Promotions presents Rock Talent Junction. होखेला बात बड़का बड़का इहा कार्यक्रम भोजपुरी तड़का मात्र रेडियो रॉक 94.2 FM पर सुनो दिल की ठीक है तड़का Welcome back to after the last commercial break and you are listening Radio Rock 94.2 FM सुनो दिल की कितना आदमी इंग्लिश में ना बुझलो खब एकदम समझा देता नहीं कि स्वागत करेंगे साहब अंतिम अंतिम व्यापारिक विश्राम के बाद राउर फेवरेट कार्यक्रम राउर दिल के धड़कन वाला कार्यक्रम भोजपुरी तड़का में और ये बतावे के साहब मैंने कुछ जो बाकी रह गए बाटे दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में तो बता दी कि स्टार बनी मैंने
बने से पहले भी कुछ म्यूजिक एल्बम निकालने रहनी दिनेश लाल यादव नहीं रहुआ जैसे बुढ़वा में दम बा और मलाई खाए बुढ़वा। हाँ हालांकि नहीं रहुआ गायक ही बने के चाहते रहनी लेकिन कहल जाए कि सन 2005 में मुंबई आईनी और फिल्म डायरेक्टर के कहला पर निरहुआ फिल्म चलत मुसाफिर मोहलियो रे में दू गो गाना गैले रहनी। ओकरा बाद कहल जाए कि इत्तेफाक से इस फिल्म में निरहुआ अभिनय भी कैनी। इस फिल्म में निरहुआ छैला बिहारी के दोस्त के किरदार निभैले रहनी माने कहल जाए तो फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ छैला बिहारी और कल्पना पटवारी भी रहनी। ये फिल्म सुपरहिट साबित भइल और एक बाद निरहुआ के सपोर्टिंग रोल के ऑफर आवे लागल और बता दी कि धीरे धीरे इनके मन में हीरो बने के चाहत जागे लागल और हीरो ऐसन बनने के निरहुआ रिक्शा वाला निरहुआ चलल ससुराल निरहुआ बनल जाओ निरहुआ नंबर वन और हाल फिलहाल में निरहुआ चलल लंदन जैसन फिल्म में निरहुआ के टाइटल से ही निरहुआ स्टार से सुपर स्टार बन चुकल बानी और बनते जा रहल बानी आगे भी। और कुछ दिन बाद सलमान खान के टीवी शो में बिग बॉस में नजर आइले रहनी। ये दोसर बात बाटे कि निरहुआ ज्यादा दिन बिग बॉस में टिक ना पैनी और बिग बॉस के घर छोड़ के जाए के पड़ल इनकरा के। और बहुत कम समय में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ उ मुकाम हासिल कैनी जे बहुत किस्मत वाला के ही मिलेला। झोपड़पट्टी से उठा के खुद के महल तक पहुँचा देनी दिनेश लाल यादव निरहुआ। यहाँ तक कि बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी फिल्म में अभिनय कर चुकल बानी दिनेश लाल यादव निरहुआ जौन फिल्म के नाम बटे गंगा देवी और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट भइल रहे। चली अब समय तो एकदम हो चुकल बाटे संगतिया से बातचीत करे के तो फटाक से बातचीत करी बहुत देर से वेटिंग में लागल बानी आ के बानी कहाँ से मस्ट वेलकम करी। हेलो तू माना या ना माना है गोरी हम तो के अपन बना ले बानी पूरा बोतिया का है नहीं के कहो लेकिन हमरा के पता चलिए जला एहसास हम कर सके ला भाई जी भैया छोड़ नहीं है पूरा हम कह देनी ना एकदम मैंने छुपा रुस्तम बने के कोशिश करे के बात मैंने न कर राउड दोस्त होस्ट के साथ साथ पूरा रॉक एफएम होल टीम ही काफी अच्छा बाटे फिट एंड फाइन बाटे। तब जितेंद्र जी जी भैया रवा के साथ साथ अपन गांव समाज के भी हाल खबर सुनाए। जी भैया गाँव समाज खबर काफी अच्छा बा एकदम मौसम जैसे भी हाल खबर काफी अच्छा बा एकदम बढ़िया बा एकदम सुहावना बा एकदम बढ़िया बा एकदम सुहावना। एक बात आज थोड़ा कम्प्लेन है मतलब आर्टिस्ट किया थे ना चेकिया से उनको थोड़ा सा मतलब काफी हंसी वाला बात है माने का कहे के चाहता नहीं रहा समझ में नहीं किया। जी भैया फिर से बोली था जी आयन भाई जी चकिया से आते थोड़ा सा उसके ऊपर मीडिया आया है। अच्छा अच्छा मालूम है ना आते हैं चकिया से आर्यन जी तो आवे नहीं चकिया से आवे नहीं का भइल बटे माने कुछ भइल बटे का आज आज से ना वाले कि थोड़ा सा रुसल बाहर निकाल के हो गए गर्लफ्रेंड वाला अब काफी काफी से प्यार मोहब्बत चलत रहला का बीच में फोन उ नहीं के काफी रुसल बा भाई 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 हमार भाई हमार भाई हमार इस बात जे होखेला अब कहीं तक की अति करे के सपोर्ट देवे लेकिन भैया आपने प्यार कम से सही में मना ना दे हम जितेंद्र भैया ये सब बात जो खेला ये सब पर्सनल वाला बात हो गया ये सब ऑफ ऑनलाइन में ना करब ही तब अच्छा लगी। अजी भैया ऐसा कोनो बात नहीं अथी वाला खराब ही बात ना भाई चाही मस्ती के लेल भैया एकदम एकदम हम समझ सकत नहीं लेकिन केहू और के नाम लेके मस्ती कैल भी ठीक बात नहीं के। चली अच्छा लगल रहा के संगतिया होखी हमने के संगतिया बनी चली बहुत अच्छा बात बाटे। तब
बताई कि रवा के माने दिनेश लाल यादव के बारे में जे जानकारी मिलल कैसन लागल। भैया जो भैया अपने जानकारी देवे ले कभी हम खराब लग सके भैया, काफी एकदम बढ़िया और जानकारी दे देली काफी अच्छा लागल। और जो दोस्त दोस्त अगर ना भी होई मालूम ना तो अपने बारे में एकदम अप टू डेट हो गेल भी होई, और इस बारे में अगर ना भी होई देख लेते एकदम देखी काफी अच्छा भी लगी। और एकदम 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 चलिए बहुत अच्छा बात बाइल। और वैसे तब आगे जवन गाना बजे वाला बात है कि इनकारा के सुनावे के चाहब अपनी बस भैया दिल से अपने के और साथ में एक फ्रेंड जी का और बस स्पेशल में आर्यन भाई जी को चाहिए तमाम दोस्तों। ओके बाबा फोन कहनी बहुत बहुत धन्यवाद बटे भाई। अब बात बात में एकदम इतना ना प्रोग्राम आज सुपर डुपर हिट चलाई नहीं है, मैंने रवा सुने नहीं है, अच्छा लगा लोग की उम्मीद लगल बैठे मन में कहे से कि जब दिल से आवाज निकले ला वो कभी वापस है ना जला, जब दिल से आवाज निकले ला एकदम सही सही ही निकले ला भाई, तो बात के ख्याल करब सुनब एकदम दिल से। और ये कहे के साहब की लास्ट में बहुत ही अच्छा एगो गाना छोड़ा था ने जौन की पटना से पाकिस्तान फिल्म से लिहल गए गाना बाटे, एकदम गाना सुनब तब पता चल जाए कि मैंने गाना कैसन बाटे सुन ला ही हो खब, लेकिन फिर भी हम बता देता नहीं एकदम कहल गए बाटे कि दब मने हम हई पियाजी के पातर तेरिया बा, एकदम जबरदस्त गाना सुपर डुपर हिट भइल रहे और फिल्म भी ब्लॉकबस्टर भइल रहे। यह गाना के साथ साथ राउर दोस्त होस्ट आरजे रणधीर हटली रउआ से छूटे के चाहता इजाजत मांगता हमनी से अप टू डेट रहे खातिर रॉक एफएम फेसबुक पेज पर जुड़ी और अप टू डेट रह सकता नहीं रहा। एक के साथ साथ राउर दोस्त होस्ट आरजे रणधीर हटली एक बार फिर से इजाजत मांगता छूटे के चाहता नमस्कार गुड बाय टेक केयर सलाम शुभ शुभ संध्या एंड कीप लिसनिंग रेडियो रॉक 94.2 एफएम सुनो दिल की। ठीक है।